हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कामदेव चूर्ण के बारे में। जैसे कि आपको पता होगी कि कामदेव चूर्ण किस लिए यूज होता है, लेकिन इसके कुछ अलग से जो यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। कामदेव चूर्ण का मुख्य कार्य क्या होता है उसको भी बताएंगे, और कामदेव चूर्ण आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी एज के मनुष्य इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जो कामदेव चूर्ण होता है तो उसका इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में युवा पीढ़ी अपनी कुछ बचपन की गलतियों के कारण, या आप कह सकते हैं हाथ का इस्तेमाल करने के कारण, या उनको कुछ ऐसी लत लग जाती हैं जिसके कारण वो पॉर्न वीडियो या अश्लील बातें करते समय उनका गंदे सपने आते हैं, या फिर उनको गंदे विचारों के कारण, गंदी लत के कारण उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है, और उनका जो अंदरूनी पार्ट है जिसको पेनिस बोलते हैं वो खड़ा नहीं हो पाता, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और तनाव ठीक प्रकार से नहीं होता है। और कुछ बच्चों को आज के प्रेजेंट टाइम में जो 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल की एज के हैं, वो गलत लत के कारण उनको वीकनेस होती चली जा रही है और शरीर उनका नहीं बन पा रहा है, तो उस समय इस कामदेव चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। और एक मुख्य कार्य होता है आज के प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम शुद्ध भाषा में दांत की प्रॉब्लम बोलते हैं। इस परेशानी में क्या होता है, पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद उनको दो बूंदे कत्ता सा जाता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म की मात्रा कम होती चली जाती है शरीर में से, तो आप समझ लीजिए कि शरीर वीकनेस हो जाएगा। अब मेन टॉपिक है कि स्पर्म बनता कैसे है। जैसे कि आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो दूध में से उसको गर्म करने के बाद मलाई आती है, और उसको गर्म करते हुए उसमें से जैसे मट्ठा या दही या दूध में से घी निकाला जाता है, उसी तरीके से जब आप तरह तरह के फल फ्रूट खाते हैं या आप ताकत की चीज़ें खाते हैं, तो उसके बाद ही आपका जो है स्पर्म या बीजो बनता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए कारगर आपका स्पर्म होता है। जब आप इसका ही नाश कर देंगे तो आपकी बॉडी एक प्रकार से सेहतमंद नहीं रहेगी, और आने वाले समय में जब आप मैरिड होंगे, शादीशुदा होंगे, तो आपको बहुत सारी गलतियों का एहसास होगा। अब बात करें कामदेव चूर्ण, तो कामदेव एक आयुर्वेदिक चूर्ण होता है, और अगर बात की जाए इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं या क्या तरीके से बनाया जाता है, तो कोचगिरी, सफ़ेद मुसली, मखाने, टुड्डी, ताल मखाना, मिश्री आदि चीज़ों से ये निर्मित किया गया है। तो इन सब का मिश्रण बना करके इसको पाउडर के रूप में तैयार किया गया है। अब बात करेंगे इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्य क्या है। इस चूर्ण के सेवन के धातु शुक्रों विकार, सिद्र पतन, नपुंसकता, सपन दोष आदि रोगों को मिटाता है। ये चूर्ण बीड़ों को पतलेपन को दूर करता है और गाढ़ा बनाता है। तपन दोष आदि संभोग के लिए यंग का ढीला होना या नपुंसकता को दूर करता है। अगर बात की जाए ये आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो 3 से 6 मास, यानी कि 1 चम्मच आप सुबह शाम दूध से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेडिकल स्टोर पे अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग कंपनी के बहुत सारे चूर्ण मिल जाते हैं, तो उनसे क्या होता है आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये जो हमारा है कामदेव चूर्ण, ये हेप्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर MRP की बात की जाए तो 205 रुपये की MRP पर आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और इसके अंदर जो डिब्बा निकलता है वो हम दिखा रहे हैं आपको, प्लास्टिक का इतना होता है, और ये 100 ml यानी कि 100 ग्राम में ये आपको मिल जाता है। तो अगर आपको भी सीद्र पतन, धातु विकार या टाइम का बढ़ना, वीर्य का पतला होना आदि जैसी शिकायतें हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करते समय आपको परहेज की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको रिलेशन नहीं बनाना होता है, और आपको ताकत के कुछ फल फ्रूट भी खाने होंगे, और आपको वीकनेस, कमजोरी जैसी बीमारियों से इससे राहत मिलेगी। तो आपने तरह तरह के अगर प्रोडक्ट, माजून या सिरप इस्तेमाल की हैं, तो आप एक बार कामदेव चूर्ण का भी इस्तेमाल करें। यह हेप्टो कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। इसको मैरिड, अनमैरिड यानी कि शादीशुदा और बिना शादीशुदा दोनों ही मनुष्य इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल पुरुषों के लिए होता है, और इसका सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है, और
आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपका जो टाइमिंग का सिस्टम होता है ये आपकी ब्रेन से होता है। तो आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना हो, यानी कि तरह तरह के आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कम उम्र के लड़के पोर्न वीडियो देखते हैं और तरह तरह के विचार माइंड में करते हैं और वह हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण वो गलत लत के शिकार हो जाते हैं और उनकी सेहत नहीं बन पाता है। तो आपको इन सब से बचना है, और आपको धात की बीमारी या कमर में दर्द रहता है या आपको वीकनेस है तो आप इस चूर्ण का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते रहेंगे। आगे भी आपको हमारे चैनल पे मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी दी जाती हैं, तो आप कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं करें। वीडियो के अधिक और भी मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।